दोस्तों जर्मन शेफर्ड को लेकर आपके दिमाग में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर हम एक प्योर जर्मन शेफर्ड को एक देसी डॉग से क्रॉस करा दें तो क्या इन दोनों के जितने भी बच्चे होंगे क्या वो सारे के सारे बच्चे देसी ब्रीड के निकल जाएंगे, या फिर अगर हम एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को एक देसी डॉग से क्रॉस करा दें तो अब क्या होगा, क्या इनके भी जितने बच्चे होंगे क्या वो सारे के सारे बच्चे देसी ब्रीड के निकल जाएंगे, या फिर उसमें से कुछ बच्चे लॉन्ग कोट के निकल जाएंगे कुछ बच्चे देसी ब्रीड के निकल जाएंगे, या फिर सारे के सारे बच्चे ही लॉन्ग कोट के निकल जाएंगे। तो ऐसे ही एक नहीं लाखों सवाल आप लोग के दिमाग में आते होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जरा टाइम नवेश करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए अगर आप एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड से क्रॉस कराते हैं तो इन दोनों के जितने भी पपीज होंगे वो सारे के सारे लॉन्ग कोट के निकलेंगे, और अगर आप एक मीडियम कोट जर्मन शेफर्ड को एक मीडियम कोट जर्मन शेफर्ड से क्रॉस कराते हैं तो इन दोनों के जितने बच्चे होंगे वो सारे के सारे मीडियम कोट के होंगे। वैसे ही दोस्तों अगर आप एक डबल कोट जर्मन शेफर्ड को एक डबल कोट जर्मन शेफर्ड से क्रॉस कराते हैं तो इन दोनों के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे डबल कोट के होंगे। अब अगर आप दोस्तों एक मीडियम कोट की फीमेल को एक लॉन्ग कोट मेल से क्रॉस कराते हैं तो अब क्या होगा। अब आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे फादर तो लॉन्ग कोट है मदर मीडियम कोट है, हो सकता है बच्चा क्रॉस ब्रीड निकल जाए या फिर मिक्स ब्रीड निकल जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भले इनकी क्वालिटी में अंतर है, भले फादर लॉन्ग कोट है मदर मीडियम कोट है, लेकिन दोस्तों दोनों ही प्योर ब्रीड के जर्मन शेफर्ड है। दोनों के कान ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, दोनों की पूंछ नीचे की तरफ झुकी हुई है और दोनों के कलर भी सेम है, दोनों के कलर ब्लैक एंड टैन है। तो जब मदर और फादर दोनों ही प्योर ब्रीड के हैं तो इसका मतलब कि उनके जितने भी पपीज होंगे वो सारे के सारे प्योर ब्रीड के निकलेंगे, लेकिन दोस्तों उनकी क्वालिटी में अंतर होगा, उसमें से कुछ बच्चे डबल कोट के निकलेंगे और कुछ बच्चे मीडियम कोट के निकल जाएंगे। अब आप लोग के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि फादर तो लॉन्ग कोट है लेकिन उनके जो बच्चे हुए हैं उसमें से कुछ बच्चे डबल कोट के हुए हैं और कुछ बच्चे मीडियम कोट के क्यों हुए हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है कि मदर फादर जब टक्कर के होते हैं तभी बच्चे टक्कर के होते हैं, मतलब कि जब मदर फादर दोनों ही लॉन्ग कोट के होते हैं तभी बच्चे लॉन्ग कोट के ही निकलते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फादर लॉन्ग कोट का है मदर मीडियम कोट ही है, इस वजह से जितने भी बच्चे हुए हैं उसमें से कुछ बच्चे डबल कोट के हुए हैं और कुछ बच्चे मीडियम कोट के हुए हैं। तो दोस्तों इससे इतना तो क्लियर हो गया कि अगर आप एक प्योर जर्मन शेफर्ड को एक प्योर जर्मन शेफर्ड से क्रॉस कराते हैं तो उनके जितने भी पपीज होंगे वो सारे के सारे प्योर ब्रीड के निकलेंगे। अब आपका सवाल ये है कि अगर हम एक प्योर जर्मन शेफर्ड को एक स्ट्रीट डॉग से क्रॉस कराते हैं तब क्या होगा। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से गलती से कोई एक जर्मन शेफर्ड और एक स्ट्रीट डॉग का क्रॉस हो गया तब क्या होगा। दोस्तों होगा ये कि जब उन दोनों का क्रॉस होगा तब उन दोनों के जितने भी पपीज होंगे वो सारे के सारे मिक्स ब्रीड के होंगे। जी हाँ दोस्तों, उस फीमेल के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे ही मिक्स ब्रीड के होंगे, लेकिन दोस्तों उस फीमेल के जितने भी पपीज होंगे उनका कलर जर्मन शेफर्ड की तरह हो सकता है। जैसे जर्मन शेफर्ड का कलर ब्लैक एंड टैन होता है तो उनका कलर भी ब्लैक एंड टैन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनके बॉडी में थोड़े बहुत बड़े बड़े बाल भी आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो जितने भी पपीज होंगे वो सारे के सारे मिक्स ब्रीड ही होंगे। और दोस्तों सिर्फ स्ट्रीट डॉग ही नहीं, अगर आप एक जर्मन शेफर्ड को एक रॉटवीलर से क्रॉस कराते हैं, या फिर अगर आप एक जर्मन शेफर्ड को एक लैब्राडोर से क्रॉस कराते हैं, या फिर किसी और डॉग ब्रीड से क्रॉस कराते हैं, तब भी उनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे मिक्स ब्रीड ही होंगे। तो अगर आपको एक प्योर जर्मन शेफर्ड का पप्पी चाहिए तो उस पप्पी के मदर और फादर दोनों ही प्योर जर्मन शेफर्ड होने चाहिए, तभी उनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे प्योर ब्रीड ही होंगे। और जिस पप्पी के फादर तो जर्मन शेफर्ड लेकिन मदर कोई और ब्रीड की हुई, जैसे कि स्ट्रीट डॉग हुआ या फिर लैब्राडोर हुआ या फिर रॉटवीलर हुआ, तब उनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे मिक्स ब्रीड ही होंगे। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, और आप लोग में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर हम एक जर्मन शेफर्ड और एक स्ट्रीट डॉग को क्रॉस करा दे तो क्या होगा। तो यही होगा दोस्तों, उनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे मिक्स ब्रीड ही होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिला होगा। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे हम ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।